नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो नजर रहेगी, लेकिन पहले बात करेंगे कॉटन की, क्योंकि कॉटन का उत्पादन घट सकता है। क्या है पूरी अपडेट, क्या इंपैक्ट होगा सप्लाईज पर, अवेलेबिलिटी पर और प्राइसिंग पर, इस पर हम करेंगे बातचीत। बात करेंगे पल्सेस की, क्योंकि सरकार ने फ्री इम्पोर्ट की सीमा को एक्सटेंड किया है। क्या इम्पैक्ट इसका अवेलेबिलिटी पर होगा, कितनी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, प्राइसेस के अंडर कंट्रोल रहेंगे, क्या असर हो सकता है इस कदम का, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पल्सेस पर भी एक आउटलुक लेंगे आगे शो में और लेंगे स्ट्रैटेजीज सोने चांदी पर, जहां पर तेजी के बाद अब थोड़ी सी सुस्ती आते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या रुझान होना चाहिए इन लेवल से गोल्ड सिल्वर पर, इस पर भी रहेगा फोकस। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन कॉटन एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश राठी, जीएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, साथ ही एमिरेट्स एनबीडी के डॉक्टर धर्मेश भाटिया, कोअर्जी ग्रुप के रवि द्वारा भी मौजूद रहेंगे स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कॉटन की, और कॉटन पर इनफैक्ट हम कल एक आउटलुक लेने की कोशिश कर भी रहे थे कॉटन के। अगर अब जो रीसेंट अपडेट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो अवेलेबिलिटी है, जो टोटल प्रोडक्शन है, वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहले तो क्या मायने रहेंगे इसके और कितना असर होगा, इस पर करेंगे बातचीत। राकेश राठी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, पहले तो ये बताइए कि सीआईए के जो लेटेस्ट जो आंकड़े उन्होंने शेयर किए हैं उसके मुताबिक अवेलेबिलिटी कम रहेगी, प्रोडक्शन कम हो सकता है, पहले तो एग्जैक्टली फिगर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? उनकी जो फिगर आई है 294 लाख बेल्स की करंट ईयर के लिए, वो काफी रेलेवेंट लगती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है उनका वाइड, काफ़ी वाइड तरीके में था। तो वो फिगर मेरे को 294-295 लाख गांठ की जो प्रोडक्शन है वो मेरे को रीजनेबल लगती है, उसमें कोई डाउट कम लगती है। ओके, तो फिर ऐसे में जो सिचुएशन रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइसेस क्योंकि कॉटन के हल्के हुए थे तो डिमांड बढ़ी थी इंडस्ट्रीज की ओर से भी। किसान हालांकि थोड़ा सा परेशान हुए हैं प्राइसिंग को लेकर, लेकिन अगर अब जो 15 सालों में सबसे कम उत्पादन रहने की बात की जा रही है और जो फिगर्स आपने कहे कि रियलिस्टिक लग रहे हैं जो सीआईए ने शेयर किए हैं, तो फिर क्या इम्पैक्ट आप इसका देखेंगे डिमांड पर प्लस प्राइसिंग पर? इमीडिएट के अंदर तो मैडम क्या है कि नीचे में एमएसपी प्राइसेस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट परचेज कर रही है। आज के दिन भी रफली 60-70 हजार गांठ जो है पर डे की जो है वो परचेज कर रही है। तो जो बाजार में एक्सेस लिक्विडिटी है वो वहां से बाहर लेके आ रही है, तो उसका बाजार पे इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम हो रहा है। दूसरा, इंडियन प्राइसेस अभी भी जो है वो करीबन 3-4 सेंट न्यूयॉर्क फ्यूचर से ऑन है, अगर हम शंकर की बात करें तो। वो भी कोई एक्सपेंसिव कॉटन नहीं है, क्योंकि पास में कई बार ये ऑफ सीजन के अंदर 10-11 सेंट ऑन भी गई हुई है। तो इन प्राइसेस के अंदर बिकॉज ऑफ इंटरनेशनली हम महंगे नहीं है, दूसरा नीचे सीसीआई की एमएसपी ऑपरेशन के लिए सपोर्ट है, तो इन भावों से कोई बहुत ज़्यादा घट जाए बाजार, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बल्कि अगर डिमांड जैसे कि एक्सपेक्ट करते हैं अभी रेट कट के बाद फॉरेन कंट्री से गारमेंट्स वगैरह की डिमांड जो है वो सुधरेगी, तो उसके साथ उस सपोर्ट के साथ प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। और क्रॉप छोटी है, इंपोर्ट के हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी महंगी है, उनको देखते हुए मेरा मन इस भाव की कॉटन को रखने में रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो कॉटन के स्टॉकिंग में फेवरेबल लगता है। ओके, तो कुछ अंदाजा दे सकते हैं फिर प्राइसिंग किस डायरेक्शन में देख रहे हैं 2024 के लिए, सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए राकेश जी? देखिए, प्राइस का इंडिकेशन करना ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि डिमांड डिप्रेस्ड है। जिस दिन डिमांड निकल के आ गई उस दिन तो फिर कॉटन के अंदर दिक्कत ही है, फिर नहीं मिलेगी। अभी जब तक डिमांड डिप्रेस्ड है उसकी वजह से, हालांकि पिछले दिनों से यान बाजार के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट है, डाउन जो लाइन है गारमेंट्स वगैरह में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, वर्ल्ड ओवर जो डी स्टॉकिंग का प्रोसेस था वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, तो सारी चीजें फेवरेबल हैं प्राइसेस को बढ़ाने के लिए। जिस दिन भी डिमांड आ गई उस दिन हो सकता है 20-15% जो है प्रेजेंट भावों से बाजार बढ़ जाए। ओके, चलिए, शुक्रिया राकेश जी अपने कमेंट्स देने के लिए। हमारे साथ रवि द्वारा भी बने हुए, क्विकली उनकी भी एक राय ले लेते हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, जो 15 सालों में सबसे कम उत्पादन रहने की बात की जा रही है? राकेश जी को भी आपने सुना, प्राइसेस क्योंकि कम थे तो हमने इंडस्ट्रीज की तरफ से भी डिमांड बेहतर होते हुए देखी है।
और डिमांड काफी इंपॉर्टेंट रहेगी फर्दर प्राइसेस को ड्राइव करने के लिए। ऑलरेडी 2023 की बात करें तो हमने प्राइसेस ऊपरी स्तरों से काफी हल्के हुए होते हुए देखे हैं, आपको भी लग रहा है इन स्तरों से थोड़ा अपसाइड दिख रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है कॉटन में 2024 के लिए? जरूर सर, इस साल के आउटलुक के लिए काफी फेवरेबल है। पर्टिकुलर चाइनीज डिमांड काफी बड़ा कंसर्न रहा है एंड उसके सामने देखे तो चाइना ने क्यों डिमांड कम किया, क्योंकि चाइना में ओवरऑल देखे तो उसका मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूरोप है। यूरोप में 40% गारमेंट की जो डिमांड है उसमें गिरावट देखी गई थी, तो इस हिसाब से कॉटन प्राइसेस है वो एक ट्रैक्शन में नहीं आ पा रहे, हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है और डिस्टॉकिंग वाला पे एक इश्यू था। मुझे लग रहा है कि ये जो चाइनीज लूनर फेस्टिविटी है उसके बाद आपको अच्छी डिमांड चाइना की ओर से आते हुए दिखेगी, क्योंकि रिस्टॉकिंग है वो फरवरी में चाइना ऑलवेज स्टार्ट करता है, तो रिस्टॉकिंग मुझे लग रहा है कि नई सीजन में आ सकता है। शायद और 15-20 दिन का कंसोलिडेशन कॉटन प्राइसेस में आता हुआ दिखे, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बॉटम के काफी करीब है। प्राइसेस अगर डिप पे 55,500-55,600 के करीब मिलते हैं तो कॉटन एक बेस्ट लेवल माना जाए, 54,200 का एक अच्छा बेस सपोर्ट ये साल के लिए रहेगा, ऊपर 60,000-58,900 ये दो टारगेट रहेगा। और मुझे लग रहा है कपास खाली कपास तीनों में ट्रैक्शन में एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस इलेक्शन का साल भी है और एमएसपी पे काफी अच्छा सीसीआई की ओर से बाइंग है, तो मुझे लग रहा है कि वहां भी सपोर्ट मिलेगा। और पर्टिकुलर कोकोट कपास खाली में हमने काफी टाइम से 2650 से हमने बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, अभी भी मुझे लग रहा है 2750 के करीब एक बार फिर से बाइंग का मौका है। दो पार्ट में बाय करें अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म बाय करना चाहते हैं, 2750 एंड 2680 दो पार्ट में बाय करें, 2600 का स्टॉप लॉस और मुझे 3000 तक के टारगेट दिख रहे हैं। तो राइटली पॉइंट आउट किया, आपका डिस्कशन काफी अहम था, काफी फ्रूटफुल था और मुझे लग रहा है कि इसी ये फैक्टर है आपको फरवरी में रोल आउट होते दिखेंगे और अच्छी डिमांड फरवरी के बाद आपको चाइना की ओर से आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए तो ये तो बात हुई कॉटन की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब फोकस करेंगे पल्सेस पर। दरअसल कल एक इम्पोर्टेंट खबर आई और सरकार ने ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट तूर और उड़द का एक्सटेंड कर दिया है 2025 के लिए। इससे पहले हमने देखा था पिछले हफ्ते ही सिमिलर एक्सटेंशन मसूर के लिए आते हुए दिखाई दिया था, यानी अब जो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट है वो पहले मार्च 2024 में एंड हो रहा था, जो कि अब एक्सटेंड होकर मार्च 2025 तक हो चुका है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सरकार सिग्नल देना चाहती है ग्लोबल पल्सेस प्रोड्यूसर्स को कि जो एज ऑफ इम्पोर्ट है वो कंटिन्यू रहेगा इंडिया में, और दूसरी तरफ फूड इन्फ्लेशन ना बढ़े, सरकार इस पर भी पैनी नजर रखे हुए है। लगातार हम देख रहे हैं फूड कमोडिटीज को लेकर कदम उठाती रही है, लेकिन इसके क्या मायने हैं इस पर करते हैं बातचीत। विवेक अग्रवाल डायरेक्टर जीएलवी एग्रो से हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपके इनिशियल कॉमेंट्स, पहले मसूर और उसके बाद फाइनली तूर और उड़द पर भी ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट सरकार ने एक्सटेंड किया है पूरे एक साल, कैसे देखते हैं आप इसे, कितना रिलीफ रहेगा अवेलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से? नमस्कार, देखिए भारत सरकार पिछले साल लगातार मुद्रा स्फीति को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करती रही और हमारी तुअर की प्रोडक्शन काफी कम थी पिछले साल, और इस बार भी जो आंकड़े निकल के आए हैं और जो पहला अनुमानित आंकड़ा है वो हम 10-12 लाख टन शॉर्ट दिख रहे हैं, और भारत सरकार ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तुअर पे और मसूर पे दोनों पे इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री की और एक साल के लिए, ताकि जो अवेलेबिलिटी है वो लगातार साल भर बनी रहे। हम पिछले साल काफी बड़े शॉर्ट पे थे लेकिन सरकार ने बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग कदम लिए, इसमें इम्पोर्ट खोलना हो चाहे स्टॉक लिमिट हो, और बाकी जब आप इम्पोर्ट करते हैं उसको भी डाइल्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ एक महीने का टाइम दिया था, तो इन सब चीजों के माध्यम से तुअर की उपलब्धता तो बनी रही लेकिन आने वाले साल पे लगातार बैक टू बैक ये जो कमी है वो दिख रही है। और जो अभी आंकड़े आए हैं मेरे हिसाब से हम लोग 13-14 लाख टन तुअर में शॉर्ट हैं, उस चीज को ध्यान रख के सरकार ने ये इम्पोर्ट खोला है, और सेम चीज मसूर पे भी है, पर मसूर फिर भी प्रोडक्शन ठीक था पर सरकार किसी भी कीमत पे प्राइसों को कंट्रोल करना चाहती है ताकि कंज्यूमर को प्राइस सस्ती मिल सके। इसी मापदंड को रख के सरकार ने ये दोनों पे तुअर पे उड़द पे और मसूर पे जो एक साल के लिए एक्सटेंशन दिया है, और मेरे ख्याल से ये बहुत सही निर्णय है क्योंकि दुनिया भर की एजेंसियों ने अलनीनो का इम्पैक्ट जनवरी से बहुत ज्यादा बोला है भारत के लिए और इनफैक्ट साउथ एशिया के लिए। सो अब हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो सप्लाई साइड है वो लगातार बनी रहे, और एक बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण अगर छोटी सी भी शॉर्टेज होती है
तो प्राइस बहुत तेजी से जम करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि सरकार का अच्छा निर्णय है और इससे कम से कम सप्लाई साइड तो बनी रहेगी, अब वहां से कितनी सप्लाई आती है ये देखने का विषय होगा। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर सप्लाई साइड पर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस साल की बात करें तो 23 लाख टन पल्सेस हमने इंपोर्ट की हैं, जिसमें मेजर इंपोर्ट जो हुआ है वो मसूर का, तूर का और उड़द का ही हुआ है। और तो अब क्योंकि ये फ्री जो फ्री इंपोर्ट पॉलिसी एक्सटेंड फर्दर होगी, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे के लिए? डेफिनेटली अवेलेबिलिटी ग्लोबल फ्रंट पे कितनी है, कितनी सप्लाईज आती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट फिर भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस तो काफ़ी सारे नेशंस के हैं, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, म्यांमार हो, मोजाम्बिक, तंजानिया क्यों ना हो, तो कितना और इंक्रीज हम इंपोर्ट में होते हुए देखेंगे इस साल के मुकाबले, जो कि 23 लाख टन के आसपास रहा था? देखिए निश्चित रूप से इम्पोर्ट बढ़ेगा, और मसूर हम ऑस्ट्रेलिया इस बार काफ़ी सस्ता रहा कनाडा के कंपैरिजन लिए, इसलिए इस बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा इम्पोर्ट किया। तुअर तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी, सूडान, इन सब कंट्रियों से आएगा, और मोजाम्बिक में कुछ सरकारी इश्यूज भी रहे, उसके बावजूद वहाँ से इम्पोर्ट लगातार हो रहा है और सरकार उसको सॉल्व करने में लगी हुई है। तो ये मानिए कि आप 23 लाख टन से ये इम्पोर्ट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी इस बार पिछले साल के कंपैरिजनली क्रॉप थोड़ी कम है, उसके बावजूद 15 लाख टन की एक्सपेक्टेशन है क्रॉप की। तो हमारे पास सप्लाई साइड मसूर में तो बहुत अच्छी है, टूर पे समय आने पे पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से इस बार अफ्रीका किसानों को थोड़ा अच्छा प्राइस मिला है, तो इस बार भी उत्पादन उनका अच्छा रहेगा, तो इम्पोर्ट निश्चित रूप से बढ़ेगा। म्यांमार में इस बार उड़द की क्रॉप बहुत अच्छी है, मैं भी पिछले महीने उड़द वहाँ बर्मा गया हुआ था और वहाँ के किसानों से और वहाँ के एक्सपोर्टरों से मेरी बात हुई, तो उनको एक अच्छा प्राइस मिला है, तो ये वहाँ पे भी प्रोडक्शन अच्छा है, तुअर का भी प्रोडक्शन बढ़ा है वहाँ पे। तो सप्लाई साइड हमारे आज की डेट पे तो काफ़ी अच्छी दिख रही है विदेशों में, म्यांमार, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कनाडा भी थोड़ा टाइम लगेगा, कनाडा के पास भी बैकलॉग स्टॉक है, तो सप्लाई साइड मसूर में बहुत अच्छी है, तुअर में हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा फिर क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, प्राइसेस को लेकर फिर क्या डायरेक्शन आप देख रहे हैं इन सब मेजर्स के बीच में, स्पेशली तूर और उड़द को लेकर? प्राइस निश्चित रूप से थोड़े स्टेबल ही रहेंगे और थोड़े तेज ही रहेंगे प्राइस पे, अभी जबकि भारत सरकार ने येलो पीस का इंपोर्ट खोला है, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि सारे दालों के बाजार 5 से 7 रुपए किलो नीचे घट गए हैं, और ये 31 मार्च तक येलो पीस का इंपोर्ट अलाउ है, तो जब तक येलो पीस आता रहेगा उसका इम्पैक्ट सारी दालों पे पड़ेगा, और उसके कारण थोड़ा सा प्राइस पे प्रेशर आप देख सकते हैं, पर उसके बाद भारत सरकार क्या निर्णय लेती है उस पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा बाकी दालों के प्राइस पर। मेरा ये मानना है कि दालों के प्राइस इस बार भी साल भर अच्छे बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा घटने की उम्मीद नहीं है, और अलनीनो का बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको गवर्नमेंट को बहुत बहुत कॉशियसली और बहुत एग्रेसिवली हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ओके चलिए, शुक्रिया विवेक जी अपने कमेंट्स देने के लिए इन सभी पर। और ये बातचीत हुई पल्सेस की, जहाँ पर सप्लाई साइड पर तो इजी रहेगा ही, लेकिन प्राइसेस भी नीचे आएंगे बहुत उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑलरेडी हमने थोड़े प्राइसेस ऊपरी स्तरों से हल्के हुए देखे हैं येलो पीस के इंपोर्ट की खबर के बाद, लेकिन यहाँ पर स्टेबल रहने की नियर टर्म में डेफिनेटली एक उम्मीद है। रवि, क्विक कमेंट आपका पल्सेस के प्राइसेस पर? पल्सेस में मुझे लग रहा है टेल इलेक्शन को बड़े जंप की असर नहीं है, बट यस इलेक्शन के बाद बड़ी तेजी की उम्मीद वहां पे करनी चाहिए। सेकंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर काफी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि सोइंग काफी पिछड़ी है। हर स्टेट में देखे तो गुजरात में भी पल्सेस की सोइंग डाउन है, राजस्थान में भी डाउन है, ऑल इंडिया सोइंग जो पल्सेस की है 8 से 9% डाउन है। अगर इसमें यील्ड में कुछ प्रॉब्लम आया तो आई थिंक एक सीवियर शॉर्टेज वहां पे होगी। हालांकि इंपोर्ट से अभी ये शॉर्टेज है वो गवर्नमेंट फुलफिल कर पाएगी, तो मुझे लग रहा है कि इमिडिएटली 2 से 3 महीने प्राइसेस में दोनों फंडामेंटल वर्क करेंगे। एक तो आगे जाके जो सप्लाई रिलेटेड किल्लत है इसका मार्केट पॉजिटिव साइड इम्पेक्ट लेगा, साथ में इम्पोर्ट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन है वो प्राइसेस को बहुत ऊपर नहीं जाने देंगे, कैप रखेंगे। मुझे लग रहा है तुअर एंड चना ये दोनों कमोडिटी है वहां पे ज्यादा गिरावट करंट प्राइस से नहीं दिख रहे। येलो पीस वाला फैक्टर काफी हद तक चना में डिस्काउंट हो चुका है, एंड पर्टिकुलर प्राइसेस मुझे लग रहा है कि 5600 का बॉटम एंड वहां से 6000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए।
और आई थिंक तुवर में भी यहाँ से और 20 से 30 रुपए के उछाल आपको आते दिख सकते हैं। हालांकि बड़े उछाल की आशा ना रखें, यहाँ से 5 to 7% के उछाल आपको लोअर लेवल से दिख सकते हैं। तो कोई भी गिरावट है ये जो अभी रिसेंट पॉलिसी इंटरवेंशन से आई है, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी स्टॉकिंग अपॉर्चुनिटी आपको ये दे रहा है। चलिए, तो ये राय रही आपके लिए पल्सेस पर और ये प्राइसेस पर एक आउटलुक हमें मिला है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। धर्मेश भाटे भी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि द्योरा भी हैं, और क्विकली रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार समझेंगे कहाँ हैं ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, और इस बीच एक खबर आ रही है कि सी हैवी मोलेसेस से एथेनॉल को प्रमोट करने के लिए ओएमसीज ने इंसेंटिव अनाउंस किया है, साथ करीब करीब 7 रुपये प्रति लीटर का ऑन एथेनॉल सोर्स फ्रॉम सी हैवी मोलेसेस। और क्या डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी हुई, ये बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण बताइए क्या डिटेल्स हैं। देखिए, जो खबर है उसके मुताबिक ऑल मार्केटिंग कंपनियों ने इंसेंटिव देने का ऐलान किया है सी हैवी मोलेसेस से। सी हैवी मोलेसेस वो होता है जिससे गन्ने के जूस से नहीं बल्कि गन्ने के सिचिनी निकालने के बाद जो बाय प्रोडक्ट होता है उससे मोलेसेस बनता है, उस पर जो है सो इंसेंटिव का ऐलान किया गया है। और अब 6.87 रुपये पर लीटर यानी 6.87 रुपये प्रति लीटर का इंसेंटिव दिया जाएगा, और अभी जो कीमत थी वो थी 49.41 रुपये प्रति लीटर, अब वो बढ़ा करके 56.28 रुपये प्रति लीटर हो गया है। और ये इंसेंटिव जो है सो वो आपको जो अगला शुगर सीजन है उसके लिए किया गया है, ये 2023-24 के लिए किया गया है। और ये इंसेंटिव के आधार पर ही सीएवी मोलेसेस जो खरीदेंगी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उनको ये इंसेंटिव दिया जाएगा। बता दूं कि इससे पहले जो टेंडर निकाला गया था उसमें बी हैवी मोलेसेस, सी हैवी मोलेसेस और शुगर कैन जूस से एथेनॉल जो बनता है उससे खरीदने के लिए टेंडर निकाला गया था, लेकिन चूंकि सरकार ने शुगर कैन जूस वाले पे थोड़ी पाबंदी लगा दी, अब सी हैवी मोलेसेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इंसेंटिव देने का ऐलान किया गया है। और ये इंसेंटिव जो है 6.87 रुपये प्रति लीटर है, और ये चीनी कंपनियों की मांग भी यही थी कि इंसेंटिव कम से कम सी हैवी मोलेसेस पे दीजिए, तो चीनी कंपनियों के लिए राहत, जो सी हैवी मोलेसेस से एथेनॉल बनाते हैं उनके लिए राहत। बिल्कुल, तो चीनी कंपनियों के लिए अच्छी खबर, और जैसे बताया लक्ष्मण ने, लगभग 6.87 रुपये पर लीटर इंसेंटिव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देंगी 2023-2024 इस ईयर के लिए अनाउंस किया गया है ये इंसेंटिव। यानी अब जो प्रोक्योरमेंट प्राइस रहेगा एथेनॉल का सोर्स फ्रॉम सी हैवी मोलेसेस वो हो जाएगा 49.5 रुपये प्रति लीटर। तो बेसिकली एथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए सी हैवी मोलेसेस से ये कदम उठाया गया है ताकि एनकरेजमेंट मिले, और इसीलिए ये पॉजिटिव खबर है ऑयल मार्केटिंग तमाम शुगर कंपनीज के लिए, उन कंपनियों के लिए जो एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं सी हैवी मोलेसेस से। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। क्विकली एक बार शुगर स्टॉक्स भी ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर, ऑलरेडी मजबूती के साथ ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो धामपुर शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो, सभी में एक अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट जो ये डेवलपमेंट है, ये जो खबर है, ये भी पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए, और इसीलिए दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर ये सभी शेयर्स फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे ही शुगर स्पेस में एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और ये खबर भी पॉजिटिव इस पूरे ही पैक के लिए। चलिए, तो ये तो बात हुई शुगर इंडस्ट्री की, शुगर कंपनीज की, लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब फोकस कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज पर। धर्मेश भाटिया हमारे साथ है, रवि द्योरा भी हैं। धर्मेश बताइए पहले तो कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। देखिए, मैं बेसमेंट की तरफ बैट करूंगा क्योंकि ईयर एंड है और नेक्स्ट ईयर मार्केट में काफी तेजी का माहौल आ सकता है, स्पेशली बेस मेटल में जब इंटरेस्ट रेट घटना स्टार्ट होगा और डॉलर इंडेक्स 100 के आंकड़ा ब्रेक करेगा तो आपको बेस मेटल कमोडिटी में सबसे ज्यादा तेजी देखने मिल सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी कॉपर, डॉक्टर कॉपर कहते हैं बेस मेटल का किंग, ये 725 के इर्द गिर्द घूम रहा है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये लेवल पे भी निवेश करके चल सकते हैं। पोजिशनली आप यहाँ पे 705 का स्टॉप लॉस रखिए, अपसाइड इसकी मोमेंटम आप देखिए तो 750 से 760 जाने की है क्षमता इसमें, बट ये 2 से 3 महीने के अंतराल के लिए, बट इमीडिएटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 732-735 के टारगेट के लिए आप कॉपर में निवेश करके चल सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा धर्मेश, गोल्ड सिल्वर पर आपकी राय क्या है? अब थोड़ी सी सुस्ती फिलहाल एक दो दिनों से देखने को मिल रही है, लेकिन क्या आउटलुक 2024 के लिए भी, और इमीडिएट स्ट्रेटजी क्या है?
देखिए सोने और चांदी की बात करें तो सोना और चांदी अभी ये सुस्त रहेगा क्योंकि मार्केट में ईयर एंड है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है। जिस रफ्तार से इंटरेस्ट रेट घटने की बात कर रहे हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स भी ब्रेक करेगा डाउनसाइड, और यहाँ पे आपको सोने में निवेश करने की काफी सलाह रहेगी मेरी। अगर आप छोटी अवधि के लिए देखें तो मार्केट काफी ट्रेड में रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में मैं इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 63,600 टू 63,700 तक के लेवल्स आपको एक या दो महीने के ट्रेडिंग में दिखा सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर 2024 के अंतराल में 65,000 के लेवल्स भी आपको ब्रेक होते देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $2,150 से $2,200 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं दोनों रेकमेंड करूंगा कॉपर और गोल्ड में निवेश करने की। अच्छा क्विकली क्या व्यू रहेगा आपका रवि एनर्जी पैक पर, स्पेशल नेचुरल गैस? नेचुरल गैस थोड़ा वोलेटाइल है, हालांकि लग रहा है कि ये वीक का जो वेदर रिपोर्ट है यूएस का वो थोड़ा इनकरेजिंग रह सकता है और प्राइसेस में इसका एक सपोर्ट मिल सकता है। नेचुरल गैस के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है 210 के करीब प्राइस चल रहे, थोड़ा डिप है 208 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा है 202.80 एंड टारगेट 222 का रहेगा। मंडे से ट्यूजडे तक आप पोजिशन होल्ड करेंगे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रिकवरी नेचुरल गैस में प्राइस से आ सकती है। चलिए तो ये व्यू रहा नेचुरल गैस पर, 210 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए 0.5% नीचे है आज के कारोबार में। चलिए शुक्रिया धर्मेश और रवि आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के उस पर वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।